अधिमोशन चेंचा आदिल बादवा इंग्लिश ओ माय गॉड रेंशो इज स्पीकिंग इंग्लिश कैसा है क्या हाल चाल भाई साहब भाई मेरे को बाहर निकाल अरे यार तू पहले नाश्ता कर लो उसके बाद पक्का बाहर निकलेंगे मैं कल रात से अंदर हूँ अरे अंदर तो है तू कल रात से लेकिन बाहर निकालते हैं ठीक है तेरे को पहले नाश्ता दे देते हैं तेरे को पहले नाश्ता देंगे फिर हम नाश्ता खाएंगे फिर हम तेरे को बाहर निकालेंगे ठीक है ओके डन ओके डन पक्का डन खुल जा सिम सिम खुल गया भाई साहब ये तो देखो मुंडी कैसे ऊपर कर रही है ये तो देखो ऊपर कैसे आ रहा है इसको तो बस बाहर ही निकलना है आज हैव योर ब्रेकफास्ट द रेंचो इज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट हम भी जब भी जल्दी से नाश्ता करते हैं वहाँ पे मम्मी जी किचन में काम कर रही हैं वहाँ पे दोपहर का खाना बन रहा है और उसके बाद मेरा दोपहर का नाश्ता मतलब दोपहर का खाना तो बन गया ऑलमोस्ट और मेरे को नाश्ता दोपहर को मिलेगा बिकॉज इट इज़ राइट नाउ 1:05 एक घंटे में हमारा नया व्लॉग आ जाएगा गाइज 2:05 को हमारा न्यू व्लॉग आ जाता है तो गाइज नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द रूम अभी हम लोग रूम में कुछ भी जोर से बात नहीं कर पाएंगे जोर से क्या कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज नम्रता दीदी की मीटिंग चल रही है ऑफिस की मीटिंग चल रही है इस वजह से कोई भी ज़्यादा बात नहीं करेगा हम सिर्फ ब्रो से मिलने जाएंगे ठीक है तो गाइज ये आप देख सकते हो नम्रता दीदी यहाँ पे काम कर रही थी और ये यहाँ पे हमारे ब्रो भाई साहब ब्रो यहाँ पर बैठे हैं डिंगी 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 डिंग और ये जो भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये सारा वॉइस ओवर हो रहा है तो इस वजह से मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रो का जो हाथ पे धक्का था अभी भी उतना ज़्यादा ही है पता नहीं कहाँ से मार खा के आता है हाँ कुछ भी करके आ जाता है तो अपना लाडला ही बच्चा और कुछ करने का काम तो है नहीं बस खाने का पीने का सोने का यही काम है मत जानी लाइफ डिंगी 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 डिंग डिंगी 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 डिंग डिंगी डिंगी डिंग 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 गाइस मैं इसको कुछ भी कर लूँ ना इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं हाथ लगा लूँ नहीं कर लूँ ये इसको इग्नोर करने की क्वालिटी बहुत अच्छी है और यही देख सकते हो इसके हाथ पे कितना ज़्यादा लगा हुआ है अब फाइनली नहीं तो इसके ऊपर बैंडेज लगानी ही पड़ेगी बिकॉज यार एक और धक्का खा के हैं कोई सेंस है गाइस जब तक नम्रता दीदी भी एडिटिंग में नम्रता दीदी मीटिंग में बैठी है मैं एडिटिंग में बैठा हूँ तो जब तक नम्रता दीदी भी काम कर रही है मैं भी थोड़ा सा काम कर लेता हूँ और थोड़ी देर में नाश्ता भी बन जाएगा तो तब तक के लिए ऐसे कर लेते हैं तो मतलब मैं यार क्या ही बात कह रहा हूँ नम्रता दीदी एडिटिंग में बैठी नहीं 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 नम्रता दीदी एडिटिंग में नहीं बैठी है मैं अच्छा आवाज़ आ गई चलो नाश्ता भी रेडी हो गया तो हमको यार एडिट करना था व्लॉग एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही व्लॉग एडिट करना है लाइक देख सकते हो यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट सारा व्लॉग कल का एडिट करना है तो वो देखते हैं कैसे होगा यार बिकॉज ये पता नहीं कैसे होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आज भी पूरा दिन करना है ना व्लॉग तो इस वजह से कैसे बैलेंस आउट करेंगे तो फिगर आउट करते हैं फिर जब तक नाश्ता करते हैं चलो यार चलो आज के नाश्ते में हमारे पास कोकी और चाय मैंने शायद कल भी यही खाया था बिकॉज हाँ आज हमारे घर पर जो नाश्ता बना है ना वो रोलर्स है तो वो मैं खाता नहीं हूँ तो इस वजह से ये आज हम खा रहे हैं पराठा मतलब सिंधी पराठा और चाय आप ऐसे समझ सकते हो ठीक है और ये वेफर बिस्किट नाश्ते में नहीं है पता नहीं यहाँ पे किसने रख दिया ये नहीं है हमारे नाश्ते में तो जल्दी से खा के करते हैं आपसे बात ओह माय गॉड ये भी आ गया हमारा व्लॉग देखने के लिए वेलकम वेलकम यहाँ पे हमारा व्लॉग चल रहा है मम्मी यहाँ पे व्लॉग देख रही है हमारा और ये यहाँ पे कहाँ जा रहा है अच्छा ये अभी अलग से यहाँ पे सोने के लिए जा रहा है ये देखो पहले साफ कर रहे हैं गाइस ये यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे बैठेगा ये देखो साफ कैसे कर रहे हैं टाइल्स को साफ कर रहे हैं तू कल मावा खाई है ना कल मावा खा गया पूरा हाँ मुँह डाल दिया है इसने उधर कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है उधर जगह क्या चेंज हो गई है सोने की ये देखो भाई साहब ये ना छोटी सी आंख खोल के हमको देख रहा था हम क्या खा रहे हैं हमारे पास क्या है खाने के लिए क्या है वेफर बिस्किट इसको उसका भी स्मेल आ गया है खाएगा ब्रो देख तो सही ना मैं तेको और मेरे को इग्नोर कैसे करता है इसकी आंखें गाइस पहले खुली हुई थी हमको देखा है इसने फिर इग्नोर कर दिया फिर अभी देखो जानबूझ के आंखें खोल दी ना हाँ जानबूझ के नहीं खुलता है और हमको इग्नोर करता है ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि मैं तो सो रहा हूँ तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो ये एक्टिंग कर रहा है पता है ज्यादा अभी नौटंकी बनकर अभी अपनी चल उठो ब्रो हमको पता है तू सोया नहीं है हाँ सबको पता है तो हम ज्यादा तंग नहीं करते जानबूझ के अभी एक्टिंग कर रहा है हाँ ये एक्टिंग कर रहा है इस वजह से हम इसको डिस्टर्ब करेंगे गाइस जब ये गहरी नींद में रहता है ना तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है इसको उठाते चल अभी ज्यादा नौटंकी हो गई उठो बहुत ज्यादा नींद हो गई भाई साहब अधिमोशन चेंचा आदिल बादवा हमेशा गाइस आ जाओ ओए ओए भाग गया अपनी जगह पे भाग गया गाइस अपनी जगह पे जाके सो गए ये देखो
इसकी जगह फिक्स है अधिवंशांशन महाराजा ओ महाराजा। गाइज अब एग्जैक्टली बज रहे हैं 4:25, 4:25 के लिए और 2-3 मिनट हैं समथिंग। और दोपहर के खाने में हमारे पास है चावल और आलू और पीज की सब्जी दाग में और बादाम। बादाम नहीं है वो तो बाद में है, बट चलो जल्दी से खा के करते हैं आपसे बात। तो गाइज अभी एग्जैक्टली बज रहे हैं 5 और अभी मैं और मम्मी और उनकी कुछ फ्रेंड्स मतलब कुछ फ्रेंड्स के साथ हम लोग आज जा रहे हैं टीट वाला मंदिर में। तो वहाँ पर इतने टाइम से नहीं गए थे, मम्मी तो काफ़ी टाइम से नहीं गई है, तो अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। मैं तो रिसेंटली मतलब एग्जाम्स के कुछ टाइम पहले ही गया था, लास्ट मंथ ही गया था, तो आज फिर से चलते हैं। तो वो वाला मंदिर काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा मान्यता रहती है, गणपति जी का मंदिर है। तो चलो चलते हैं यार, चलो बाय बाय बाय, नींद से उठे, बाय 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 बाय, यही मैंने बात ब्रो को लगाए थे, बाय। एक्चुअली मैं नम्रता दीदी का क्लास है ना, इस वजह से नहीं तो नम्रता दीदी भी चलती थी, वो क्लास लेती है ना इस वजह से, तो आज उनका ऑनलाइन क्लास है तो वो आज चल लेती थी, लेकिन उनके क्लासेस की वजह से वो नहीं चल पा रही हैं। और मम्मी कैसा लग रहा है, यू एक्साइटेड? आज कितने टाइम के बाद आप टीट वाला चल रहे हो ना? कितने टाइम के बाद? 1.5 साल हो गया। आपको बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं? आज का मौसम विभाग ऐसे छाँव छाँव है, लेकिन गाइस गर्मी है आज, ऐसे लगेगा बारिश पड़ेगी, बस एक या दो दिन और वेट, फिर सीधा इधर उल्लासनगर में भी बारिश होगी। अभी हम लोग स्टेशन पे तो पहुंच गए हैं, अभी मेरे को फटाफट से टिकट निकलवानी है और मम्मी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रही है, तो मैं जब तक टिकट निकलवाऊंगा मम्मी तब तक दूसरे प्लेटफॉर्म पे रहेगी। और देखें यार आज ट्रेन में भीड़ है कि नहीं, बिकॉज मोस्टली तो भीड़ नहीं होगी, अरे यार होगी जिस तरह इतनी सारी गाड़ियां हैं, लग तो रहा है बहुत ज़्यादा होगी। भाई साहब गाड़ियां देख रहे हो, इतनी सारी गाड़ियां। अब देखें यार भीड़ तो मिलेगी। चार टीट वाला रिटर्न। गाइस अभी हम लोग स्टेशन से उतर गए और ट्रेन से अभी हम लोग जो है स्टेशन पे उतर के, अरे यार एक मिनट मेरे को थोड़ा सा बोल लेते तो तो अभी हम लोग टांगे में बैठे हैं गाइस, टांगे में बैठ के अभी मंदिर में जाएंगे। मैं इतने सालों के बाद टांगे में बैठा हूँ। मम्मी कैसा था टांगे पे एक्सपीरियंस? बहुत बहुत जबरदस्त, एंडलेस। इतने सालों के बाद बैठे थे ना हम लोग, बहुत। मम्मी को तो क्या सीट मिली थी भाई साहब, पीछे वाली सीट मिली थी, अगर और कुछ होता तो सीट थी खतरनाक, मतलब टांगा उल्टा हो जाता था, हमें ऐसे लग रहा था। फाइनली हमारा दर्शन भी हो गया और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया, तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ का फेमस वड़ा पाव है। तो आ जाओ देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आज उतनी भीड़ नहीं थी जितना एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ द ट्यूजडे, बट यहाँ पर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बट 10 या 15 मिनट में हो गया दर्शन और काफ़ी अच्छे से हुआ। देख सकते हो टीका भी लग चुका है, काफ़ी अच्छा फील होता है यार ऐसे मंदिर में आके, और ये वाले मंदिर में तो आके बहुत अच्छा लगता है यार। तो आ जाओ चलते हैं, देखें अब खाने के लिए क्या क्या है हमारे पास। तो गाइज ये भी चीज़ मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, तो आप देख सकते हो हमारे पास है खाने में वड़ा पाव और मूंग भजी, तो जल्दी से खा के करते हैं आपसे बात। हाय फाइनली गाइज हमने चाय पी ली, यहाँ की जो चाय थी ना भाई साहब, मैं तरस जाता हूँ एक अच्छी चाय के लिए, एक अच्छी खासी चाय के लिए तरस जाता हूँ भाई साहब। और आज यहाँ पर जो चाय मिली ना इतनी कड़क, ऐसे दिमाग को लग गए भाई साहब, आज तो पूरी रात जागेंगे ऐसी वाली चीज़ थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना अच्छे से हो गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और मौसम विभाग भी बहुत अच्छा हो रखा है, लाइक काफ़ी अच्छा खासा ठंडा ठंडा हो रखा है, अभी सनसेट भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा था यार। मतलब यहाँ पर आके बहुत लोग जो उल्लासनगर से टीट वाला इस वजह से ही आते हैं बिकॉज यार यहाँ पे वड़ा पाव और मिसल पाव ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट जो आज चाय थी ना यार फील है। Something that comes for you.
गाइस फाइनली इसी व्लॉग को करते हैं खत्म। मैं ये व्लॉग का लास्ट पार्ट लेना ही भूल गया था। इट इज़ राइट नाउ यार, 1:26 रात के 1:30 बज रहे हैं, तो इसी व्लॉग को करते हैं खत्म। मिलेंगे आप लोगों से। बैटरी ड्रेन हो गई, अभी नींद आ बहुत ज़्यादा नींद आ गई, बिकॉज यार ये कैमरा में ना जो कैमरा की बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अभी हमारी बैटरी ड्रेन हो चुकी है, थोड़ी सी चार्जिंग इसमें हुई तो तभी हम लोग ये रिकॉर्ड कर पा रहे थे। मेरी रात शुरू हुई, अभी 1:30 बज रहे हैं, पूरी रात जागेंगे, फिर पूरे दिन में सोएंगे। तो इसी ब्लॉग को करते हैं खत्म। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय, पीस विद पप्पी।